उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो सहयोगी अपना दल समेत चार पार्टियों के साथ मैदान में है। हरियाणा में बीजेपी को जेजेपी और हरियाणा लोक हित पार्टी का साथ है। मेघालय में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। असम में असम गण परिषद बीजेपी के साथ है। यूपीपीएल का भी उसे साथ मिल रहा है। और इस तरीके से अगर पूरा मैप आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। 35 पार्टियां साथ होने के बावजूद, ये इंडिया अलायंस की मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त कहीं ना कहीं दिक्कतें उसमें दिख रही है। इंडिया अलायंस के कुनबे की परेशानी क्या है आप उसे समझिए। गठबंधन बनने के बाद नीतीश बाबू ने साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने साथ छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बयान गठबंधन को परेशान कर रहे हैं। पंजाब में गठबंधन की दो बड़ी पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार और महाराष्ट्र समेत ज्यादातर राज्यों में सीट अभी फाइनल हो ही नहीं पाई है। एनडीए और इंडिया अलायंस के सबसे बड़े दल यानी बीजेपी और कांग्रेस के टिकट बंटवारे और चुनाव की रणनीति को आप गंभीरता से अगर देखें तो दो तस्वीर आपके सामने, ये दो तस्वीरें बहुत ध्यान से आप देखिए। पहली तस्वीर है कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की ये तस्वीर है। सुबह 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति के सारे आला नेता वहां पर मौजूद थे, मेंबर्स वहां पर मौजूद थे। 29 फरवरी को ये मीटिंग हुई। रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक ये बैठक चलती रही। पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में थे। अगले दिन झारखंड भी निकल गए थे। कुल मिलाकर 2-3 घंटे की नींद और उसके बाद वो अपने काम पर निकल गए। 195 उम्मीदवार फाइनल किए गए। अब दूसरी तस्वीर पर आप आए, ये दूसरी तस्वीर जो है वो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तस्वीर है। इसमें आप देखिए आपको कौन कौन नजर आ रहा है, गौर से देखिए। 7 मार्च को ये मीटिंग हुई थी। राहुल गांधी इस बैठक में आए तो सही, लेकिन कुछ देर के लिए, और वो भी यहां पर नहीं जहां मीटिंग हो रही थी, ऑनलाइन जुड़े। अब आप खुद तुलना कर लीजिए कि चुनाव को लेकर संजीदगी कहां पर नजर आ रही है। अब अगर इस बैठक में क्या हुआ इस पर बात करूं तो खबर यह है कि 40 उम्मीदवारों के वो नाम ही फाइनल हो पाए जो मौजूदा समय में इस वक्त सांसद है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि गठबंधन बनाने में कांग्रेस क्यों बीजेपी से पीछे रह गई, यह बड़ा सवाल है। और फिर जो सवाल आता है कि विपक्ष के गठबंधन में बागी क्यों होने लगे हैं ये सारे रीजनल दल, क्षेत्रीय पार्टी। तीसरा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि मिसमैनेजमेंट से चुनाव से पहले क्या विपक्ष का मोर्चा डूब नहीं जाएगा ऐसे। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पुनावाला भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी मौजूद हैं। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी इस डिबेट में गूंज में हिस्सा ले रहे हैं। अब मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहती हूं। आपकी राय बहुत जरूरी है, व्यूअर्स की राय बहुत जरूरी है। 2024 लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस ये गठबंधन बचेगा कि नहीं? आप अपना जवाब, अपनी राय जल्दी से बताइए हमको। हाँ नहीं कह नहीं सकते। अंत में मैं आपके सामने इस पोल का नतीजा रखने वाली हूँ। और चलिए आप गूंज में शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले दौर पक्ष विपक्ष,